नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐप का जो है क्या फ़ायदा है। यदि आपका खुद का ऐप है, यदि नहीं है तो आपको किस टाइप से ऐप फायदा दे सकता है, आज के इस वीडियो में आप सभी को अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए, डिजिटल जो है आपका एड्रेस बनता है ऐप से। क्या होगा भैया डिजिटल एड्रेस? तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, इंडियन डेवलपर्स हम लोग का टीम है। इंडियन डेवलपर्स टीम एक टीचर के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। पहला काम है उसका ऐप प्रोवाइड करना, वेबसाइट प्रोवाइड करना, उसको डिजिटल बोर्ड देना, ठीक है, पूरा फुल स्टूडियो सेटअप करना, ठीक है, और उसका पीडीएफ पीपीटी बनाना, थंबनेल बनाना, कॉलिंग टीम को, मतलब आपको यदि पढ़ाना आना है, पढ़ाना आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से लाखों स्टूडेंट के पास पहुँच सकते हैं। चलिए अच्छे तरीके से टॉपिक पर आते हैं। पहला आपका फायदा देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल एड्रेस देगा यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट बेनिफिट है। डिजिटल एड्रेस कहने का मतलब, सपोज दैट आपका नाम राम सर है, सपोज दैट आपका नाम राम सर है, तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, सपोज दैट आप पटना डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, बिहार का एक एग्जांपल ले लिया, पेन इंडिया मतलब पूरा इंडिया में कहीं से होंगे, ठीक है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहेंगे तो आप किसी को यदि कॉल कीजिएगा, यदि आप कोई भी व्यक्ति को कॉल कीजिएगा तो आप क्या बता सकते हैं, जो मेरा पटना में ये इस जगह पे घर है, ठीक है, ये बता सकते हैं आप। लेकिन यदि आपके पास ऐप वगैरह नहीं रहेगा तो आप कैसे बता सकते हैं जो मेरा एड्रेस क्या है? तो पहला नंबर में आपका है, आपका डिजिटल एड्रेस बनता है। डिजिटल एड्रेस कहने का मतलब हो गया आपका जो है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे क्या है, बच्चा यहाँ पे सर्च करेगा कोई भी चीज, जैसे आपका एक्स क्लासेस नाम है तो बच्चा सर्च कर देगा एक्स क्लासेस, तो आपका यहाँ पे एक्स क्लासेस के नाम से आ जाएगा, ऐप आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका एक डिजिटल एड्रेस, ठीक है। आप बच्चे को कैसे भेज सकते हैं, आपका तो यूट्यूब है ही एक चैनल, यदि यूट्यूब नहीं है तो आप कैसे बच्चा को बता सकते हैं इस पर जाना है? तो ये आपका एक पहला नंबर ये हो जाता है डिजिटल एड्रेस। कोई भी चीज़ों को यहाँ पे एक्स क्लासेस पे आप कोई भी चीज़ को दे सकते हैं, लाइव क्लासेस को दे सकते हैं आप, ठीक है, फिर आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस को दे सकते हैं, ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं, टेस्ट को ही क्यूज बोलते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पीपीटी वगैरह दे सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ों को दे सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक डिजिटल एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे एक घर होता है, ठीक है, एक्स क्लासेस आपका क्या हो गया, घर हो गया, तो घर के अंदर बहुत सारा कार भी रहता है, बहुत सारा बच्चा वगैरह भी रहता है, इस टाइप से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका ऐप के अंदर एक फंक्शन रहेगा ये सब चीज़ों का। तो पहला फायदा आपका क्या हो गया, डिजिटल एड्रेस हो गया। आप कोई भी टीचर से मिलते हैं, कोई भी स्टूडेंट से मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, रिलेशनशिप कहीं भी, मतलब आपका रिलेशन में कहीं भी जाते हैं तो आप बता सकते हैं जो मेरा भी एक डिजिटल एड्रेस है, मेरा खुद का एक ऐप है, और गर्व से लोग बताते हैं। दूसरा क्या है, यूजर्स का डेटा। यूजर्स का डेटा कहने का मतलब है, उसका सबसे पहले यूजर्स का डेटा कहने का मतलब है उसका आपका क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। यूजर्स का डेटा में आपका नेम मिल जाएगा, मेन होता है मोबाइल नंबर, अभी के समय में क्या होता है मोबाइल नंबर, फिर तीसरा नंबर क्या होता है मेन जीमेल आईडी, ठीक है, आपका क्या मिल जाएगा जीमेल आईडी। तो ये यूजर्स का मेनली आपको तीन चीज मिल जाएगा। यदि सपोज दैट आप क्लास 12th को पढ़ा रहे हैं, आप किसको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास 12th के टीचर हैं, तो आपके पास यदि 200 बच्चा का भी यदि आपका ये आप नेम मोबाइल नंबर जीमेल आईडी आप उपलब्ध यदि करवा लेते हैं तो यहां से आपको कोर्स बेचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपका दूसरा फायदा क्या दे दिया, आपके पास यूजर्स का डेटा रहेगा। सपोज दैट आप अभी क्लास 12th के पढ़ा रहे हैं तो 12th के बाद बच्चा क्या करता है, ठीक है, बहुत सारा बच्चा जेई मेंस करता है, बहुत सारा बच्चा नीट करता है, बहुत सारा बच्चा क्या में है, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह करता है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं 12th के बाद भी इसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं, जहां हम लोग जेई मेंस वगैरह भी करवाते हैं, तो आप कोई भी टीचर से कोलैब करके भी आगे काम वो कर सकते हैं। तो दूसरा आपका फायदा क्या हो गया, यूजर्स का आपका डेटा मिल जाएगा। यूजर्स के डेटा का बहुत ज़्यादा मान्यता है, एक एक यूजर्स आपको लाखों रुपया दे सकता है, ठीक है, आपका कोर्सेज वगैरह से। यहाँ के बाद है तीसरा फायदा, आप अपना खुद का कोर्स सेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है आप खुद का लाइव क्लासेस सेलिंग कर सकते हैं, खुद का रिकॉर्डेड क्लासेस दे सकते हैं, खुद का टेस्ट सीरीज अपना दे सकते हैं। बहुत सारा ऐप ऐसा है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहा है, खुद का पीडीएफ वगैरह को, नोट्स वगैरह को सेलिंग कर सकते हैं। चौथा फायदा क्या है, इन फ्यूचर बेनिफिट्स देगा। इन फ्यूचर जैसे कि अभी बताए, सपोज दैट आप जो है 2023 में आप अपना ऐप बनवाए, अभी 2023 चल रहा है, वो सिर्फ 10th क्लास के लिए बनवाए, ठीक है, लेकिन आप भविष्य में सोच रहे हैं हम 12th के लिए भी आना चाहते हैं, तो 10th के लिए तो आपका क्लास चल नहीं रहा है, तो 10th में सपोज दैट आपका ऐप 10 के डाउनलोड हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं 2024 में आपके पास तो यूजर्स रहेगा ही, ये जो 10,000 है, 10,000 का आपके पास जीमेल रहेगा, 10,000 के पास आपके पास मोबाइल नंबर रहेगा, आप इसको 2024 में 11th का कोर्स बेच सकते हैं और 2025 में इसको 12th का कोर्स बेच सकते हैं। यूजर्स के पास आपके पास डाटा रहेगा कितना स्टूडेंट का, 10,000 स्टूडेंट का, इसे आप कॉल करके, आप इसे मैसेज करके कन्वर्ट करवा सकते हैं और अपने
अपने कोर्सेस वगैरह के बारे में जान सकते हैं। मेनी मोर कहने का मतलब और कई सारा फायदा है, इतना ही फायदा नहीं है, बहुत सारा फायदा है। आप अपना एक बुक लॉन्च कर सकते हैं, वो ऐप पे प्रमोट कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आप 10 से 15 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और 10 से 15 तरीका का ये फायदा जो है आपको अपना खुद का एक ऐप देता है। तो आपको आशा करते हैं कि पता चल गया होगा, हम लोग इंडियन डेवलपर्स टीम से हैं, ठीक है। मेरा नाम गंधर्व वत्स हुआ और हम लोग जो है एक टीचर को जो भी चीज़ चाहिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। जरूर कमेंट कीजिएगा आप जो है वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऑल द बेस्ट।